साथ मैं हूं शैलेंद्र भट्ट। की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे यूपी में किस तरह से पारा लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। यूपी में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है, शीतलहर ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। लखनऊ के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे, शीतलहर के चलते 12वीं तक छुट्टी रहेगी। बोर्ड परीक्षाओं के लिए हालांकि स्कूल खुल सकेंगे। गोरखपुर में भी कल स्कूल बंद रहेंगे, डीएम ने 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। सहारनपुर में भी कक्षा 8 तक छुट्टी कर दी गई है, सभी स्कूलों में कल छुट्टी के निर्देश जारी किए गए हैं। बांदा में भी 8 तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। तो सर्दी के सितम के बाद यह फैसला लिया गया। इधर हमीरपुर में बीती रात जोरदार बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने फसलों को तहस नहस कर दिया है। ओला गिरने से फसलें टूट गई हैं और खेतों में पानी भर जाने से फसल सड़ने के आसार बढ़ गए हैं। ऐसे हालात में किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। पूर्व मंत्री का कहना है कि किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिसका प्रशासन को आकलन कर लेना चाहिए। गांव सरसेड़ा माप दो गांव में कुछ खेतों में ओला गिरे। हम लोग अभी वहीं मौके से आए हैं और हमारे साथ विधायिका जी भी गई थी, तहसीलदार और नायब साहब वहीं हैं। हम लोग भाटा वार उसका सर्वे कर रहे हैं। कुछ खेतों में तो काफ़ी नुकसान है, लगभग 100% है और कुछ में कम है। तो ये पूरा सर्वे हम भाटा वार कर रहे हैं और क्षेत्रों के लेखपाल भी हमने लगाए हैं और आज ही इसका हम सर्वे कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट हम भेज देंगे और वहाँ से जो भी होगा उसको दिया जाएगा, किसानों को दिया जाएगा। इधर कड़ाके की ठंड और बारिश ने कानपुर में फूलों की खेती को भी बर्बाद कर दिया है। फूलों की मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे व्यापारियों को बड़ा नुकसान भी बताया जा रहा है। अभी तक ठंड पड़ रही थी, कोहरा गिर रहा था, बर्फ गिर गई, उसमें पेड़ों का नुकसान हो गया गेंदा का और माल कम निकल रहा था। जड़ें ठंडी हो गई, उसमें माल बहुत कम हो गया था। जो 20 रुपए किलो गेंदा हम लोग ले जाते थे, वो इस समय 60 70 80 रुपए किलो बिक रहा है। बहुत नुकसान हुआ है, बहुत पेड़ गिर गए, सब कुछ हुआ। तभी फूल महंगा चल रहा भाई जी। इस समय कौन कौन से फूल महंगे चल रहे हैं मार्केट में? सबसे ज्यादा गुलाब महंगी चल रही, व्हाइट वाला चल रहा, फिर इसके बाद गेंदा है। क्या रेट चल रहे हैं बाजार में? गुलाब चल रही 200 रुपए किलो, गेंदा चल रहा है 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो। आज हम लोग मंडी में आए हैं, आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से दुकानें सजी हैं फूलों की, लेकिन उतनी मात्रा में फूल दुकानों पे उपलब्ध नहीं है। व्यापारियों से और दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बरसात और ठंड के चलते काफ़ी फूलों की खेती को नुकसान हुआ, जिसके चक्कर में फूल काफ़ी महंगे हो गए। गुलाब की बात की जाए तो 100 रुपये किलो फूल बिक रहा है, गेंदा करीब 70 रुपये किलो है और गुलौरी की बात की जाए तो 50-60 रुपये किलो फूल बिक रहे हैं। तो ये फूल कहीं ना कहीं बरसात और ठंड के चलते महंगे हुए हैं। अब देखना ये है, व्यापारियों को उम्मीद है कि मौसम साफ होगा और उसके बाद दोबारा फूलों की खेती जस की तस होगी। कानपुर से शिवराज साहू, भारत समाचार। चलिए बढ़ते आगे। खबर आगरा से है, जहां पर गालीबाज डॉक्टरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो एसएन मेडिकल कॉलेज का है, जहां जूनियर डॉक्टर और होमगार्ड को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। होमगार्ड की तहरीर पर विवेक, अजय, तरुण, शंकर और जितेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले भी जूनियर डॉक्टरों की गुंडाई का मामला सामने आ चुका था, लेकिन गुंडाई कैसी रही है सुनाते हैं। इधर अमरोहा के थाना गजरौला इलाके के सिंडिकेट बैंक के कर्मचारियों ने बैंक में आए युवक के साथ मारपीट की है। निजी काम से बैंक आए युवक को पत्नी ने किसी तरह से बचाया है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से बैंक कर्मियों की गुंडागर्दी सामने आई है। इधर मुरादाबाद में पेट्रोल पंप पर युवक की दबंगई देखने को मिली। पंप कर्मी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की गई है। मुरादाबाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बोतल में पेट्रोल न देने से युवक नाराज था। दूसरे पंप से बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा और युवक की गुंडाई से पंप कर्मियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बमुश्किल युवक को काबू में किया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, श्री साई फिलिंग स्टेशन हरथला का ये पूरा मामला है। हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा अब दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको मुरादाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से ये तस्वीरें सामने आई थी।
लड़के के ऊपर पूरी बॉटल का ढक्कन खोल के पूरा पानी डाल के और उसमें लड़के में आग लगाने के लिए पेट्रोल पंप में दौड़ा। तब तक दूसरे दो तीन लड़कों ने आके पीछे गोली भर के इसे गिरा के पीछे ले गए। मतलब चौकी से जो चौकी इंचार्ज और पुलिस आई थी वो उस लड़के को पकड़ के थाने ले गए थे। फरुखाबाद से खबर है जहां पर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी है। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जिसमें बच्चा गंभीर घायल है, उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है। जहानगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इधर अलीगढ़ में भी तेज गति से आ रही दो बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में दो सगे भाई सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों सगे भाई पेट्रोल पंप से डीजल लेकर आलमपुर गांव वापस जा रहे थे जिस दौरान हादसा हो गया। आलमपुर थाना दादा क्षेत्र अंतर्गत आए थे, वापसी जाते समय सामने से दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में दोनों की मृत्यु हो गई और उसमें सामने बाइक वाले की मृत्यु हो गई है। बहुत बड़ा इधर अलीगढ़ के ही अकराबाद थाना क्षेत्र में भी नेशनल हाईवे पर शिक्षिकाओं से भरी वैन और रोडवेज बस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में वैन चालक सहित टेम्पो सवार दो शिक्षिकाओं की मौत हो गई जबकि कई शिक्षिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर चित्रकूट में पुलिस लाइन खो के पास भीड़ चरा रहे पिता पुत्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई जिसको पुलिस प्रशासन ने देर रात हुई बारिश में भीगने के बाद आई ठंड की चपेट में आकर मौत होने की आशंका जताई। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे सियासी महकमे से। जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद अखिलेश ने सरकार पर जमकर हमला बोला, क्या कुछ कहा अखिलेश ने, रिपोर्ट देखिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने एक बार फिर दोहराया कि मैं एनपीआर का फॉर्म नहीं भरूंगा। अखिलेश ने कहा कि सीएए के विरोध में सड़क पर उतरकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस फैसले का विरोध करेंगे। अखिलेश ने कहा कि कोटा में हो रही मौतों की सीएम को चिंता है लेकिन गोरखपुर में हो चुकी 1000 मौतों पर यूपी के सीएम चुप हैं। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अखिलेश के इस बयान को झूठा आरोप बताया। दिनेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश सबूत के साथ अपनी बात रखें। बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के यूथ के लोग, नौजवान लोग साइकिल चला करके रोजगार मांगने का काम करेंगे। कोटा में बच्चों की जो जान गई है उसी फिक्र तो है मुख्यमंत्री जी को, लेकिन पिछले 12 महीने में 1000 से ज्यादा बच्चों की गोरखपुर में जान जा चुकी है, उसकी फिक्र कब करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि इतने 1000 मृत्यु हो गई, आपको आरोप लगाने से पहले सूची प्रस्तुत करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि झूठा आरोप लगाकर किसी को भी आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने राम गोविंद चौधरी के बयान पर कहा कि जैसे सीएम कहते हैं कि ठोक दो तो राम गोविंद चौधरी ने ठोक दिया। अब उन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि वो सदन में रहते हैं और उस सदन के वो मेंबर हैं जहां पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो, तो उन्होंने भी ठोक दिया। अखिलेश ने कहा कि यूपी में जब तक मुख्य सचिव और डीजीपी नहीं हटेंगे तब तक प्रदेश में किसी को न्याय नहीं मिलेगा। अखिलेश बोले कि अगर हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो कौन सी धारा में कार्रवाई की जाएगी और हम समाजवादी लोग सड़क पर उतरकर साइकिल यात्रा निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर एनआरसी और सीएए को लेकर हो रहे प्रदर्शन के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा। लखनऊ, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में पुलिस ने गश्त की और सहयोग करने की बात कही। लखनऊ में मदेगंज चौकी में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा तो बिजनौर, मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चौकसी बढ़ाने के साथ ही लोगों से बात भी की। और गोरखपुर और अमरोहा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से आज जुमे की नमाज को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई, पुलिस ने गश्त की, लोगों में शांति की अपील की गई।
तो गोरखपुर और अमरोहा ये दो जगहों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर आज प्रशासन किस तरह से यहां पर चौकन्ना था, गश्त की गई थी, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार छात्रों का सीएए एनआरसी और एनपीआर को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी जुमे की नमाज के बाद यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट पर छात्रों ने यूनिवर्सिटी का तराना गाया, इसके बाद छात्रों ने राष्ट्रगान भी गाया। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए छात्रों ने जामिया के पक्ष में जमकर नारेबाजी भी की। कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे हमारे टीचर हों या कुछ लोग ऐसे हैं जो सोए हुए हैं, इस तराने से उनके अंदर जज्बात को पैदा करने के लिए तराना बजाया गया और लोगों को कनेक्ट करने के लिए तराना बजाया गया। हमारे जो एस्पिरेशन है उनको वाजे करने के लिए तराना बजाया गया और साथ ही साथ नेशनल एंथम उसके बाद प्ले किया। उसका मकसद ये था कि हम राष्ट्रगान में और तिरंगे में और हिंदुस्तान के जमहूरी किरदार में यकीन रखते हैं। हमने जो है डेमोक्रेटिक वे में और जो है इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हमने प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रीएम्बल की इसकी धज्जियां उड़ रही हैं इस लॉ को लाकर, तो हमने इसी तरीके से यहाँ का आज का प्रोटेस्ट हमने करा था। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय के लॉ छात्र छात्राओं को बड़ा झटका लगा है। लखनऊ विश्वविद्यालय की लॉ की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तृतीय सेमेस्टर के चारों पेपर रद्द कर दिए गए हैं। तृतीय सेमेस्टर की फिर से परीक्षा होगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा का कार्यक्रम दे दिया गया है। 11 दिसंबर को लॉ का पेपर लीक हुआ था। फोन पर डॉक्टर ऋचा को प्रश्न बताए गए थे, क्या कुछ था ऑडियो में वो भी सुनाते हैं। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बस सर ठीक ठाक बिल्कुल। परीक्षा जी सर ठीक हो रही है? हाँ हाँ ठीक है सर। क्या पेपर हो गए? एक ही हुआ सर अभी तो। अब दूसरा कब है? कल है सर। का है? कल प्रॉपर्टी लॉ का है सर। उसमें तो एक्सपर्ट है वैसे ही। अरे सर लिखना बहुत मुश्किल है, जबरदस्ती मत बोलिए ऐसे। बहुत मुश्किल है सर, बहुत टफ है। नहीं सर कुछ भी नहीं हेल्प करी, क्या हेल्प करेंगे वो। अच्छा, मैं आपके से बात करता हूँ। उनको उन्होंने सर कोई एक ऐसा नंबर नंद किशोर का दे दिया जिसके दो नंबर ही नहीं मिला। मैंने उनको बताया भी कि सर उनका नंबर नहीं मिल रहा है, कहे मैं भी जाके बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। नोएडा के SSP वैभव कृष्ण के मुद्दे पर DGP OP सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। एक वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हुआ है, जिसके संबंध में SSP नोएडा ने एक मुकदमा दर्ज कराया है। सेक्टर 20 थाना सेक्टर 20 पे निष्पक्षता के लिए हम लोगों ने और गुणवत्ता और निष्पक्षता के आधार पे हम लोगों ने उसको हापुड़ स्थानांतरित किया और साथ ही साथ ये निर्देशित किया गया कि IG मेरठ जो मेरठ रेंज उनको बहुत ही क्लोजली इस पूरी विवेचना को सुपरवाइज करना है, ताकि तथ्यों की बहुत ही निष्पक्षता पूर्वक और सही जानकारी देकर उसकी विवेचना की जा सके। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर लग्जरी बस में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है। बस में गोला के BJP विधायक जाम छलकाते हुए नजर आए हैं। नए साल के मौके पर बस में शराब पार्टी हो रही थी और बस में सफर के साथ शराब का जाम भी छलका है। गोला के समर्थकों संघ विधायक का ये वीडियो है शराब पार्टी करते हुए, इसमें BJP MLA अरविंद गिरी नजर आ रहे हैं। चलिए बात करेंगे ठेले पर सिस्टम की, तो सोनभद्र में भी जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। डिलीवरी के लिए गर्भवती महिला को ठेले से लेकर परिजन पहुंचे थे, तो एटा जिला अस्पताल से लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां मरीज को जिला अस्पताल में एम्बुलेंस तक मयस्सर नहीं हुई। इधर गाजीपुर में दिलदार नगर थाना क्षेत्र के गांव में 21 साल की युवती के साथ 5 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने छत से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में पीड़िता को पुलिस जिला अस्पताल लेकर आई है, जहां से उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संबंध में तत्काल 376 व अन्य समीचीन धाराओं के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उसमें नामित 5 व्यक्ति थे, 5 को तत्काल गिरफ्तारी कर ली गई है। गाजीपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से ये हैवानियत की
वारदात सामने आई थी, जहां पर छत पर सो रही युवती के साथ किस तरह से हैवानियत की हद देखने को मिली। इधर अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने 10,000 परिवारों को सर्दी से राहत देने के लिए कंबल की व्यवस्था कराई, जिसकी शुरुआत गौरीगंज के शागर ब्लॉक के लोहपुर गांव से की गई। पूरी अमेठी में 10,000 कंबल गरीबों को अलग अलग दिन कैंप लगाकर बांटे जाएंगे। कंबल की व्यवस्था की जिम्मेदारी उत्थान सेवा संस्थान को सौंपी गई। इधर हापुड़ की पिलखुआ कोतवाली इलाके में एक मजदूर ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय मजदूर घर में अकेला था। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण मजदूर के मकान में पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना दी। हनुमानपुर में लड़का है अमित तोमर नाम का, जिसने आज सुसाइड कर लिया है तमंचे से अपने घर पर ही। ये बताया जा रहा है कि इसका बीवी से कोई थोड़ा बहुत विवाद इसमें चल रहा था। 2-3 महीने से बीवी इसकी नहीं आ रही थी, इसी बात को लेकर के ये टेंशन में था और इसने तमंचे से वहीं पर अपना गोली मार के और इसकी मृत्यु हो गई है। इधर हरदोई के हरपालपुर थाना इलाके के टिकैया गांव में चल रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री में छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने युवक से एक देसी राइफल, एक बंदूक, तमंचा समेत दर्ज तैयार हो रहे हथियारों को सील किया। एक व्यक्ति काफी समय से जो है अवैध असलहा बनाने का काम करता था। इसके यहाँ मुन्नू लाल शुक्ला नाम का एक व्यक्ति है। इसके यहाँ जब छापा मारा गया रात में तो इसके यहाँ से एक राइफल, एक बंदूक, एक देसी तमंचा, 2 तमंचे जो अभी बनाए जा रहे थे आधा अर्धनिर्मित थे, तथा सैकड़ों की मात्रा में अर्धनिर्मित व चलाए हुए कारतूस वहां से मिले। इधर नोएडा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। हरियाणा मार्का का ये शराब यूपी के अलग अलग जिलों में सप्लाई करने के लिए नोएडा से ले जाई जा रही थी। इसी दौरान चेकिंग कर रही पुलिस की नजर जब ट्रक पर पड़ी तो शराब तस्कर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इन अवैध शराब की तस्करी करने वालों की खोजबीन कर रही है। एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें 574 पेटी अंग्रेजी शराब इंपीरियल ब्लू और रॉयल स्टाइल जो हरियाणा से बिहार की तरफ लेकर जाई जा रही थी, उसका ट्रक बरामद किया है। मौके से ड्राइवर और साथ के साथी तो फरार हो गए हैं, उनकी जानकारी की जा रही है, ट्रक मालिक का पता किया जा रहा है। इधर अमरोहा जनपद के डिडोली थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में शुक्रवार सुबह गांव से 1 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर कानपुर के नए डीएम ब्रह्मदेव राम तिवारी ने कानपुर कोषागार का कार्यभार कार्यभार संभाला है। नए जिलाधिकारी का गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। नए डीएम ने अधिकारियों के साथ जिले के विकास पर चर्चा की। इधर शाहजहांपुर में आवास विकास कॉलोनी में एक बड़ा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने अजगर को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। और अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर मकान में बैटरी फटने से आग लग गई है। एसीटीवी समेत कई सामान जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के बकरा मार्केट का ये पूरा मामला है। इधर उन्नाव पुलिस की गुंडई सामने आई है। बिना वजह 3 लोगों को जमकर पीटा गया है। घर के बाहर खेल रही बच्ची को जमकर पीटा गया है। बच्ची को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। पिटाई का विरोध करने पर वृद्धा को भी पीटा है। वृद्धा का सर फूटा है, चेहरे पर भी गंभीर चोटें आई हैं। इधर सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र में त्रिवेणी एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतर गया। त्रिवेणी एक्सप्रेस शक्तिनगर से बरेली जा रही थी, जिसका मिर्चाधुरी स्टेशन के आगे पटरी टूटी होने के कारण पटरी से उतर गई। तो सोनभद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से पटरी से इंजन उतरा है। और अब आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि चलती ट्रेन में चढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में ऐसा भयानक मंजर कैद हुआ जिसे देखते ही सभी के होश फाख्ता हो गए। चलती ट्रेन पर एक बच्चे ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले बच्चा ट्रेन में चढ़ता उसके पैर फिसल गए। बड़ी मुश्किल से बच्चे की जान बच पाई।
ऐसी लापरवाही पर जाएगी भारी। चलती ट्रेन में चढ़ना मतलब मौत को दावत। देवदूत बनकर आया आरपीएफ का सिपाही। दरअसल बुधवार की शाम नई दिल्ली जालंधर एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंची। करीब 6:30 बजे ट्रेन चली तो इसी बीच 12 साल का एक बच्चा उसके पिता के साथ चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही बच्चा ट्रेन में चढ़ा तो उसका पैर फिसल गया। बच्चा कई मीटर तक ट्रेन के साथ घसीटता चला गया। इसी दौरान आरपीएफ का सिपाही मानो देवदूत बनकर आया और उसने तेजी से दौड़ते हुए बच्चे को खींचकर उसकी जान बचा ली। इतना ही नहीं, सिपाही ने हादसे में घायल बच्चे का इलाज भी करवाया और उसके बाद उसके पिता की सुपुर्द किया। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। आरपीएफ सिपाही के द्वारा बच्चे की जान बचाने की हर कोई तारीफ कर रहा है। विशाल कश्यप, भारत समाचार, सहारनपुर। गाजीपुर से अगली खबर है, जहां पर डॉक्टर ने जच्चा और बच्चा की जान ले ली। प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हुई है, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। झोलाचार डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हुई है। मोहम्मदाबाद कोतवाली के सलेमपुर की ये पूरी घटना है। तो गाजीपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से जच्चा और बच्चा की मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती है। इधर जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र में लकड़ी के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लकड़ी के विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर कानपुर आईआईटी में फैज अहमद की कविता को पढ़े जाने पर बवाल मचा हुआ। प्रोटेस्ट की शिकायत करने वाली युवती ने बताया कि 17 दिसंबर को बिना परमिशन के प्रदर्शन किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कविता गाई गई, जिसकी आईआईटी में कोई जरूरत नहीं है। इस पर आईआईटी प्रशासन की शिकायत की गई। दो दिन के बाद डायरेक्टर को कंप्लेंट की। मैंने डायरेक्टर को बोला कि ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, इसकी परमिशन नहीं थी। नंबर 144 लगी हुई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद में ये जो कविता पढ़ी गई है, ये इट वाज हाईली कम्युनल, बहुत सांप्रदायिक किस्म की थी, जिसमें कि मूर्तियों को तोड़ने की बातें थी और केवल अल्लाह का राज लाने की बात थी। तो यही सब मिला के मेरी शिकायत थी। इधर बदायूं के दातागंज कोतवाली इलाके में पति हैवान बन बैठा और मामूली कहा सुनी के बाद पत्नी को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी पति ने पत्नी के पैर पर फरसा से भी कई बार हमला किया। थोड़ी देर पहले यह जानकारी प्रकाश में आई है कि पत्नी के बीच विवाद हुआ था। कथित रूप से पति ने पत्नी को इतना पीटा है कि उसकी चोटें आई हैं। पत्नी के बताए अनुसार उसको धारदार हथियारों से चोट पहुंचाई गई है। तत्काल इस सूचना पर थाना प्रभारी को बता दिया गया है। महिला का मेडिकल कराएंगे और तुरंत इसमें विधिक कार्रवाई की। पति ने क्या मारा है? फरसा मारो, 5 किलो के बाट पर पैर रख के जब काट दो, डंडा ही डंडा मारे पूरी दही में। क्या बात थी? कुछ बात ना आई, हम सब्जी काट रहे, बस 2-3 दिन पहले ऐसी नेक ऐसी कटपट हुई। खबर मिर्जापुर में है, जहां पर विंध्याचल थाना क्षेत्र के सरपति गांव में प्रेमी युगल ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। दोनों युवती पड़ोसी थे और दोनों के बीच प्रेम संबंध भी बताया जा रहा। सरपति गांव में एक युवक, जो एक लड़का 20 साल का, लड़की 19 साल की, प्रेम प्रसंग था। घर वालों को जानकारी थी लेकिन थाने पर सूचना नहीं थी। इन लोगों ने आज तड़के गांव के पास में ही 500 मीटर की दूरी पर एक आम का पेड़ था, वहां पर लटक करके सुसाइड कर लिया। पुलिस वहां पहुंच करके पंचायत रामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रही है। कन्नौज से खबर है, जहां पर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। बच्चों के विवाद में बड़ों ने पथराव किया है। मोहल्ले के ही दो गुटों में पथराव देखने को मिला है। पुलिस फोर्स ने हालांकि उपद्रवियों को खदेड़ा है। दोनों पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए हैं। सदर कोतवाली के लुतपुरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से भी कोई तहरीर भी नहीं दी गई है। खबर प्रयागराज से है, जहां पर संगम की रेती पर लगने वाले देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आगाज हो चुका है। मेला पूरी तरह से सज चुका है। संत महात्माओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो भारत समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।